मथुरा का औद्योगिक क्षेत्र जो शहर का महत्वपूर्ण भाग भी है, जहाँ 3 इंटर कॉलेज स्कूल भी हैं, जहाँ सैकड़ों कारखाने भी हैं, जहाँ रोज हजारों विद्यार्थियों, मजदूरों एवं स्थानीय नागरिकों का आवागमन होता है, इसी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क जो मोहली रोड को NH2 हाईवे से भी लिंक करती है, उसकी हालत कुछ वर्षों से बद से बेहतर होती जा रही थी। यहाँ की स्थानीय पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा गत 3 वर्षों से इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयासरत थी, मगर ये सड़क पहले UPSIDC के अंतर्गत आने वाले की वजह से नगर निगम के कार्य क्षेत्र से बाहर थी। इसलिए पार्षद श्वेता शर्मा ने सांसद श्रीमती हेमा मालिन से भी कई बार भेंट प्रार्थना भी की, मगर बजट ज्यादा होने के कारण ये सड़क निर्माण लंबित रहा। मगर पिछले UPSIDC ने इस क्षेत्र का दायित्व मथुरा वृंदावन नगर निगम को सौंप दिया। एक नई उम्मीद के साथ पार्षद श्वेता शर्मा ने एक बार फिर से नगर आयुक्त श्री अनुन झा एवं महापौर श्री मुकेश आर्यवंधु जी को इस सड़क की समस्याओं से अवगत कराते हुए निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिस पर तत्काल निर्णय लेते हुए नगर आयुक्त एवं महापौर ने इस सड़क को 3 भागों में बंटवाने के लिए अपनी मोहर भी लगा दी, जिस पर टेंडरिंग रोक भी ठेका उठा भी दिया। इसमें आज पहला भाग मोहली रोड की पुलिया में रवनलाल शुरावाला स्कूल के कोने तक 40 मीटर CC सड़क जो 6.8 मीटर चौड़ी बनेगी, इसका शुभारंभ स्थानीय पार्षद श्वेता शर्मा द्वारा नारियल फोड़कर एवं पूजन के साथ किया गया। इस खबर से विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, मजदूर, स्थानीय नागरिक आदि सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। स्थानीय नागरिकों ने खुशी में लड्डू बांटे और अपनी पार्षद का फूलमाला पहनाकर आभार भी व्यक्त किया। आज इस सड़क का शुभारंभ हुआ है, जिसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त महापौर को धन्यवाद दिया। आज का इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सर आपका परिचय और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताएं। वीरेंद्र गोयल, चेयरमैन रमनलाल छुरावाला पब्लिक स्कूल का। हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि रोड बन नहीं पा रही है, और सुनते चले आ रहे थे कि 3-4 साल से कि रोड बनेगी। पहले UPSIDC के अंदर में थी ये, बाद में अब नगर निगम के अंदर में आ गई है। नगर निगम के अंदर में आके बड़ी मेहरबानी करी भगवान ने हम पर, और आप सब पूरे यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे जो जाते रहते हैं और बाकी जो और लोग भी जाते हैं, इंडस्ट्री यहाँ पर सब हैं जो उसके कारीगर वगैरह, और ये सब लोग जाते रहते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत होती है बरसात के दिनों में, तो बहुत पानी भर जाता है चारों तरफ। और यहाँ के अभी रोड तो 3 पार्ट में रोड ठीक कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये आज इसकी ओपनिंग हो गई है, मोहली रोड पर टच करती है। इसके बाद 2 और हिस्से जो उसके आगे हैं वो बनाएंगे ये लोग। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ ये नाले यहाँ पर जो रहते हैं, जो पानी चारों तरफ भर जाता है नालों के कारण, वो ठीक होने चाहिए। उस मेन प्रॉब्लम वो भी है, सड़क खराब इसलिए होती है, नाले खराब हैं, नाले ठीक तरह नहीं बने हुए, उल्टे बने हुए हैं। ये मतलब पानी यहीं कहीं रहता है, कहीं जाता नहीं है कहीं। तो क्या कहना चाहेंगे हम नगर निगम से? आप नगर निगम से कहना चाहते हैं कि नालों को भी साथ में साथ ठीक बनाएं, और उनका जो डायरेक्शन दें और जो उनका स्लोप बनाएं वो ठीक बनाएं। पहले उल्टे बने हुए हैं, और सब फैक्ट्रियों में और जगह जगह पानी भर जाता है, बहुत परेशानी होती है। इसको जो रहता है, जो जाते हैं फैक्ट्रियों में, उनको ही मालूम है क्या कितनी परेशानी होती है। ये मेरा कहना है कि इसको दोबारा चेक कर लें रोड बनाने के बाद, उसका भी ध्यान रखें और वो उसको बनाएं। हमारी यहाँ की पार्षद ये श्रीमती श्वेता शर्मा, इनके प्रयास से यहाँ पर ये सब काम हो रहा है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरता संघ का। हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 66 से श्रीमती श्वेता शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर एक रोड का शुभारंभ किया है आज, और ये बहुत जरूरी था। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ पे पूरा एक इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी, गाड़ी पलट जाती थी, लोग टूटे हो जाते थे, बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। उनकी समस्या को देखते हुए आज इस रोड का शुभारंभ किया गया है। जल्दी यह रोड लोगों को समस्याओं को निदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम है और आज के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं फूलचंद वार्षनिक DS हॉस्पिटल से हूँ। यहाँ रोड टूटी होने के कारण बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ता था। स्कूल में बच्चे आते थे, गिरते थे, एक्सीडेंट होते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति थी इस रोड की। हमारी जो पार्षद हैं श्वेता शर्मा, उनके अथक प्रयास से नगर निगम के द्वारा ये रोड बनाई जा रही है। हम बहुत ही उनको बधाई के पात्र मानते हैं।
बहुत ही बधाई देते हैं। धन्यवाद जी। आज आपने शुभारम्भ किया, क्या किस चीज को लेकर शुभारम्भ किया आपने? जी मैं पार्षद श्वेता शर्मा वार्ड 66 से ब्रजयातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे वार्ड 66 के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एक रोड जो हमारे मोहली रोड को हाईवे से लिंक करती है, उस रोड पर बड़े बड़े 3 स्कूल है। यहाँ पर पिछले 2-3 साल से स्थिति इतनी ज्यादा नरकीय हो चुकी थी कि यहाँ से निकलना बच्चों के लिए, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज हैं, उस पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिए, जितने भी लोग यहाँ से निकलते थे भरते थे, बहुत हाथ से यहाँ पर आयोजन हो रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो नगर निगम मथुरा वृंदावन को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिनके द्वारा आज हमारी इस रोड का एक चरण, इस रोड को उन्होंने 3 पार्ट में पास किया था, जिसका आज ये पहला पार्ट जो माहौली रोड से स्टार्ट होता है और रमनलाल शोरा वाला जो स्कूल है उसके कोने तक जाता है। ये रोड 40 मीटर लंबी है और जिसका वर्क ऑर्डर जो मिला है लगभग 10 लाख का उठा है ठेकेदार को। तो इस रोड का आज हम सभी ने यहाँ पर मिलकर नारियल फोड़कर और पूजन करके शुभारंभ किया है। आज यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित है रमनलाल शोरावाला के डायरेक्टर वीरेंद्र भाई साहब, हमारे अम्बे मेडिकल स्टोर के और डीएस हॉस्पिटल जो है जिनका भाई साहब मेरे साथ में है, और हमारे भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ में है, हमारे हरीश भाई साहब हमारे साथ में है, ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित जी हमारे साथ में है, और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित है। जहाँ आज इन सभी की, यहाँ से निकलने वाले हर एक की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। धन्यवाद। क्या करेंगे और अपना परिचय देते हुए बताएं आज? मेरा नाम हरीश शर्मा, मैं एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री और वर्तमान फिलहाल में जो है रमनलाल शोरावाला विद्यालय में जॉब करता हूँ। सर आज हमारी पार्षद वार्ड नंबर 66 की श्वेता शर्मा जी ने इस रोड का शिलान्यास भूमि पूजन किया है, इसको लेकर के हमारे क्षेत्रीय जनता बहुत एक्चुअली में है क्या कि ये रोड जो है 300 शहर के अच्छे विद्यालयों का आने जाने का रास्ता है, इसमें स्थिति बड़ी खराब थी। इसको समझते हुए मैडम ने इस रोड को बनवाने के लिए अपने बहुत प्रयास किए और आज वो प्रयास सफल हो गया। इसके लिए हम सभी लोग मिलकर के मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे भी मैडम से और हमारे नगर निगम मथुरा वृंदावन से हम आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आगे जो भी रोड बची होगी उसको भी ये पूर्ण कराएंगे, वो जल्द से जल्द कराएंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन भी दिया और हमें विश्वास भी है। धन्यवाद।